हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो अपकमिंग आरआरबी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स के पैरामेडिकल पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स 19-20-21 जुलाई को, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक ये सभी क्वेश्चंस पहुंच सकें। और यदि आप जीके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कभी रिसेंटली नया चैनल बनाया हुआ है, जीके प्रिपरेशन विद कीर्ति। आप उस चैनल को भी चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें 23 और 24 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Which type of solution cause water to sift from the cells into plasma? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें से कौन सा सोल्यूशन है जो वाटर को सिफ्ट करता है, सेल्स हैं जो सेल्स के थ्रू प्लाज्मा में जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन है? हाइपरटोनिक, तो इस टाइप की कंडीशन को क्रिएट करता है। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्क्वीज्ड, मीन्स जब कोई भी प्रेगनेंट लेडी है तो कौन से वीक में प्रेगनेंसी के पहली बार जो ब्रेस्ट मिल्क है वो स्क्वीज होता है, बाहर निकलने लगता है, तो वो होता है 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी, 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है, वॉट इज़ द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है तो उसका कॉमन कॉज क्या है, फैक्टर क्या है जिसके कारण ये कंडीशन होती है कॉन्स्टिपेशन की ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर? ए लैक ऑफ एक्टिविटी, बी रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, सी डिक्रीज्ड फाइबर इनटेक, और डी लैक ऑफ फ्लूड इनटेक। तो ये कंडीशन क्यों होती है, कॉमन इसमें से कौन सा कॉमन कॉज है जो कॉन्स्टिपेशन को क्रिएट करता है प्रेगनेंसी के टाइम पर? तो वो होता है रिड्यूस्ड द इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। तो जो इंटेस्टाइनल मोटिलिटी है वो कम हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन देखने को मिलती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन, मीन्स जो भी मेडिसिन लेते हैं उसका जो एक्सक्रीट बॉडी से एक्सक्रीट होती है और बाहर जाती है, वो कौन सा रूट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है, तो कॉमनली इसी के थ्रू जो ड्रग्स हैं और मेडिसिन है वो बाहर निकलते हैं, एक्सक्रीट होती हैं, तो वो है किडनी। किडनी के थ्रू बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं वो फिल्टर होके एक्सक्रीट होती हैं बॉडी से, बाहर निकलती हैं, अपना जो मोड ऑफ एक्शन है वो अपना काम करके बॉडी में उसके फिर वो किडनी के थ्रू फिल्टर होके बाहर हो जाती हैं बॉडी से बाय द यूरिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5th, विच हार्मोन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एक्टिविटी ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ के लिए रहती है, FSH हार्मोन की जो एक्टिविटी है उनको कंटिन्यू करने के लिए, तो वो है एस्ट्रोजन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ए एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन इज द इसेंशियल हार्मोन दैट इज़ हेल्पफुल फॉर द कंटिन्यू जो भी एक्टिविटी, जो FSH हार्मोन का जो वर्क होता है और फंक्शन होते हैं उनको कंटिन्यू रखने के लिए एस्ट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्मोन है। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटी इज कम्प्रोमाइज्ड इन अ न्यूबॉर्न बेबी विथ क्लेफ्ट लिप, जो बेबी है न्यूबॉर्न बेबी है जिसको क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है, तो उसमें कौन सी एक्टिविटी है जिसको कंप्रोमाइज करके रखना है, बंद करके रखना है, मीन्स ज़्यादा नहीं करने देना है वो एक्टिविटी, तो है सकिंग। यदि किसी न्यूबॉर्न बेबी को क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है तो उसको सकिंग जो एक्टिविटी है, सक करता है कोई भी चीज़, तो उसके लिए कब करवानी है या हो सके तो बंद ही करवा के रखना है। नेक्स्ट है, इन विच डिफेंस मैकेनिज्म एंजाइटी इज एक्सप्रेस्ड थ्रू फिजिकल सिम्टम्स, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें जो एंजाइटी है वो किसके थ्रू एक्सप्रेस की जाती है, कोई भी फिजिकल सिम्टम्स हो तो कब देखने को, कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलती है, वो मिलती है कन्वर्जन में। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, इसमें जो ऑर्गन्स हैं वो सभी लिम्फेटिक सिस्टम के ऑर्गन्स हैं बट किसी एक को छोड़ के,
तो टॉन्सिल, स्प्लीन और थायमस, तीनों तो लिम्फेटिक सिस्टम्स के ऑर्गन है बट हार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी। नेक्स्ट है, वट इज़ द प्रायोरिटी नीड दैट मस्ट इंक्लूड इन द केयर ऑफ अ चाइल्ड हु इज़ हैविंग निमोनिया। जो प्रायोरिटी बेस्ड नीड है किसी भी बेबी को, चाइल्ड को निमोनिया की कंडीशन है जिसको, तो प्रायोरिटी बेस्ड जो सबसे पहली उसको ज़रूरत होगी, नीड्स होगी, तो वो क्या होगी, तो वो होगी रेस्ट। ना तो जिस बेबी को निमोनिया, ना तो वो ट्राई साइकिल राइड करेगा क्योंकि थक जाएगा बहुत जल्दी, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिशन भी नहीं, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नीड्स है उसकी वो क्या रहेगी, रेस्ट करे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द मोस्ट कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज नोसोकॉमियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन। तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली ह्यूमन में नोसोकॉमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की क्रिएट करता है, तो वो है ईकोलाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, नोसोकॉमियल इन्फेक्शन को और क्या कहते हो, अदर नाम क्या है इसका, तो वो होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और नोसोकॉमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट है, वॉट विल बी द एटीट्यूड ऑफ हेड ड्यूरिंग फेस एंड ब्रो प्रेजेंटेशन। जो एटीट्यूड रहेगा बेबी का जब हेड, सॉरी एटीट्यूड ऑफ हेड पूछा गया है, जब फेस और ब्रो प्रेजेंटेशन हो तो कंडीशन क्या होगी, कंप्लीट एक्सटेंशन। एटीट्यूड रहेगा वो होगा कंप्लीट एक्सटेंशन। नेक्स्ट है, वट इज़ द टोटल स्कोर इन मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है तो उसमें टोटल स्कोरिंग क्या होती है, तो उसमें टोटल स्कोरिंग होती है वो होती है 30। भाई 30 क्यों होती है और किस टाइप से इसको 30 में डिवाइड किया जाता है, तो इसमें जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन होता है इसमें 5 पार्ट होते हैं। एक तो होता है ओरिएंटेशन, नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन, नेक्स्ट अटेंशन एंड कैलकुलेशन, और नेक्स्ट होता है रिकॉल, कोई भी चीज़ उसको याद करवाया, फिर होता है लैंग्वेज। तो ये 5 पार्ट हैं इसमें जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में टोटल इसका जो स्कोर होता है वो तो 30 होता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का। 30 स्कोरिंग में क्या कंडीशन होती है, जब मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन का जो स्कोर है MMSE का 24 से 30 के बीच में आए तो कोई भी नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट मीन्स कोई भी दिमाग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब ये 18 से 23 में आता है तो ये कंडीशन होती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, और जब 0 to 17 मीन्स 0 से 17 तक आता है तो सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की कंडीशन होती है। मैंने आपको इसलिए बता दिया है जो टोटल इसको जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है इसके 5 पार्ट्स होते हैं, ओरिएंटेशन, रजिस्ट्रेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, नेक्स्ट रिकॉल, लास्ट इज द लैंग्वेज। तो इसमें जो 5 पार्ट में जो चीज़ें पूछी जाती हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, ओरिएंटेशन में ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ रहते हो, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है, सभी चीज़ें पहचानो आप। रजिस्ट्रेशन में कि कोई भी चीज़ रखी है क्या है इसको क्या कहते हैं, 3-4 नाम है इस टाइप से पूछेंगे। अटेंशन और कैलकुलेशन में कोई भी चीज़ है आपको जोड़ना घटाना सब्सट्रैक्शन डिट्रैक्शन ये सभी चीज़ें पूछेंगे। रिकॉल में कोई भी चीज़ है आपको बार बार याद करवाने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज में आपको 2-3 वर्ड्स बताएंगे उनका मीनिंग वगैरह पूछेंगे। तो ये कंडीशन, ये जो स्टेप्स हैं मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के स्टेप्स हैं, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि टोटल 30 स्कोर्स होते हैं, और जब 30 स्कोर में 24 to 30 तक जाती है तो नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखने को मिलती है, जब स्कोरिंग 18 से 23 रहती है तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और 0 to 17 मीन 0 से 17 है तो सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्ट प्रॉब्लम विथ हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। इनमें जो भी डिसीज दी हुई है तो उसमें कौन सी डिसीज़ है जो हेमेटोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो कंडीशन है जॉइंडिस, क्योंकि जॉइंडिस में जो ब्लू रूबिन लेवल है वो ब्लड में ही बढ़ता है, सीरम ब्लू रूबिन लेवल है, इसके कारण हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती होती हैं, इसीलिए यहाँ पे आंसर आएगा ए, जॉइंडिस। नेक्स्ट Identify the food items that needs to be avoided in a child with celiac disease. तो इनमें से कौन से फूड्स हैं जो अवॉइड किए जाते हैं
सीलियक डिसीज हो यदि किसी भी पेशेंट को या बेबी को, तो इनमें सभी चीज़ें अवॉइड की जाती हैं, रे, व्हीट, ओट्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि जो सीलियक डिसीज है इसमें जो इम्यून रिएक्शन होता है वो ग्लूटिन, जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, ग्लूटिन नाम का एक जो प्रोटीन है उसके कारण सीलियक डिसीज में ब्लोटिंग की, यदि कोई भी बच्चा हो या कोई बड़ा मतलब एडल्ट भी हो तो वो इन सब चीज़ों को अवॉइड करता है क्योंकि इन चीज़ों में ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। यदि ये चीज़ें खा लेते हैं, मींस ईट करते हैं इन चीज़ों को, तो जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन है जो नॉर्मल रहती है तब तो ठीक रहता है, बट एक चीज़ें खाने के बाद जो ग्लूटिन प्रोटीन है वो क्या क्रिएट करता है, ब्लोटिंग की कंडीशन, डायरिया। इसीलिए इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है जब सीलियक डिसीज प्रेजेंट हो, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन की कंडीशन क्रिएट करता है जिसके कारण डायरिया और जो ब्लॉटिंग होती है उसकी प्रॉब्लम्स होने लगती है। इसीलिए इन चीज़ों में ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट है, जिन भी चीज़ों में ग्लूटिन प्रोटीन प्रेजेंट है उनको अवॉइड किया जाता है ड्यूरिंग द सीलियक डिसीज की कंडीशन में। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस का कॉज क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिए तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या है। तो एक टाइप है डायबिटीज इंसिपिडस का जिसमें जो पैथोलॉजी होती है किडनी की वो चेंज होने लगती है, जिसके कारण इस ये कंडीशन कब देखने को मिलती है, जब इनसफिशियंट लेवल ऑफ एंटी डायबिटिक हार्मोनो मींस ADH का जो लेवल है वो कम होने लगता है। इसीलिए तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया कि कॉज क्या हो सकता है, तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आंसर आएगा बी, जेनेटिक, क्योंकि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस नॉर्मली जेनेटिक्स ही होती है, मतलब पेरेंट्स के थ्रू ही मिलती है बेबीज को। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट्स द पेशेंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपोकैलेमिया। तो हाइपो इसमें से कौन सा क्लिनिकल फाइंडिंग है जो इनमें से कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो इंडिकेट करती है कि पेशेंट को हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है, तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा बी, एबनॉर्मल डिस्टेंशन। हाइपोकैलेमिया क्या है, जब जो इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम का लेवल है वो ब्लड में कम हो जाए, आ लो लेवल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम इन द ब्लड इट्स नोन एज द हाइपोकैलेमिया। तो यहाँ पे जो सिम्टम देखने को मिलते हैं तो उनमें जो मेन सिम्टम यही होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आंसर आएगा होगा बी। नेक्स्ट है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये सभी वैक्सीन है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव, मींस मीजल्स, रूबेला और वेरिसेला। नेक्स्ट है ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर सेलुलर अडाप्टेशंस एक्सेप्ट। ये सभी जो चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं वो सेलुलर अडाप्टेशन में आती हैं बट किसी एक को छोड़ के, तो वो कंडीशन क्या है, एट्रॉफी। एट्रॉफी है सेलुलर अडाप्टेशन का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा, मीन्स जो फीटल ब्लड में जो मीन्स जो कितना अमाउंट है जो फीटल ब्लड फ्लो में पर मिनट में प्लेसेंटा के थ्रू सर्कुलेट होता है, तो वो होता है 500 ml। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी, 500 ml, 500 ml जो ब्लड का अमाउंट है वो फ्लो होता है पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इंड्यूस द स्लीप। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो स्लीप को इंड्यूस करती है और नींद को इंड्यूस करती हैं, तो वो है हाइपोटोनिक्स। हाइपोटोनिक्स मेडिसिन है जो और ड्रग्स हैं जो इंड्यूस करती हैं स्लीप को नींद के लिए। नेक्स्ट है विच एज ग्रुप आइडेंटिफाइड एज इलनेस एज अ पनिशमेंट फॉर मिसडीड्स। तो ये क्वेश्चन पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम से आ चुका है, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सी एज ग्रुप के बच्चे हैं वो, उनको यदि कोई भी इलनेस हो जाती है, बीमारी हो जाती है, तो वे सोचने लगते हैं कि उन्होंने कुछ गलत काम किया है, इसीलिए उनको पनिशमेंट मिल रही है एज अ इलनेस।
तो वो टोडलर्स होते हैं, सॉरी प्री स्कूलर होते हैं, जो इस टाइप से अपने मन में ये चीज़ रखते हैं कि यदि मैंने ऐसा कुछ गलत काम किया तो मुझे बीमारी हो जाएगी या किसी भी टाइप की इलनेस हो जाएगी या कुछ भी लग जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो होगा डी, प्री स्कूलर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा? फीमेल यूरेथ्रा की जो नॉर्मल लेंथ है वो कितनी होती है? वो होती है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आंसर आएगा डी, 4 सेंटीमीटर इज द नॉर्मल लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेडिकेशन ऑफ चॉइस फॉर पेशेंट विथ रेड एंड इरिटेटेड स्किन फॉलोइंग डायरियल एपिसोड? तो यहाँ पे जो एक पेशेंट है उसको कौन सी मेडिसिन सही रहेगी और करेक्ट चॉइस रहेगी जिस पेशेंट के लिए रेड स्किन, जो स्किन में जो रेड और इरिटेशन हो रहा है फॉर द डायरिया होने के कारण, डायरियल एपिसोड होने के कारण, तो उसको कौन सी मेडिसिन दी जाएगी? वो होगी जिंक ऑक्साइड। करेक्ट आंसर आएगा वो होगा जिंक ऑक्साइड, क्योंकि डायरियल एपिसोड को ट्रीट करने के लिए जिंक ऑक्साइड दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनूला? नेजल कैनूला के थ्रू जो ऑक्सीजन है वो कितनी उसकी फ्लो रेट होती है? तो वो होती है 1-4 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट है, विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रानेजल स्प्रे? इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो इंट्रानेजल स्प्रे के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है? तो वह इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो होगा बी, इन्फ्लुएंजा। तो गाइज यहाँ पर मैंने 23 क्वेश्चंस दिए हुए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी दे रही हूँ, जिसका आंसर जिन भी लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडिकेटर ऑफ एड्स? तो यहाँ पे इनमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है और कौन सी जो CD4 सेल की काउंटिंग है वो ये शो करती है कि पेशेंट को एड्स है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम है जो HIV वायरस के थ्रू होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, तो आप लोग जिनको भी आंसर पता हो वो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।